सुप्रभात दोस्तों, ट्रांस इंडिया में आप सबका स्वागत है। परिवहन व्यवसाय हर एक घर और हर एक उद्योग के लिए बहुत ही जरूरी है। शायद तभी कहते हैं कि अगर ट्रक के पहिए रुक जाएं, तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था ठप हो जाती है। इसी तरह परिवहन उद्योग के लिए जरूरी है एसोसिएशंस या संगठन, जो इस व्यवसाय की आवाज को सरकारी महकमे तक पहुंचा सके। लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि बहुत से लोग एसोसिएशन से जुड़ते तो हैं, लेकिन अपने अहंकार की वजह से या अपना एक रुतबा दिखाने के लिए। लेकिन फिर भी ऐसे गिने चुने लोग हैं जो पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं और इस व्यवसाय के लिए समय निकालते हैं। आज हमारे साथ ऐसे ही एक व्यक्ति हैं जो 3 संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। ये यूपी मोटर ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन और हाइड्रोलिक ट्रेलर ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं और इस समय ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के मैनेजिंग कमिटी मेंबर हैं। लेकिन ओहदे से ज्यादा जरूरी बात यह है कि उन्हें कई ऐसे कार्यों की जिम्मेदारी दी गई है जो संस्था और व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण है, और ये उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। हमारे साथ आज मौजूद है उन्हीं के निवास कानपुर में मनीष कटारिया जी। If you own or work with a large truck fleet, the next 30 seconds might be important for you. In the fast-paced world of logistics, efficiency is no longer an option but a necessity. But managing your operations with old legacy systems can be error-prone and chaotic. Lack of operational visibility, inefficient order, fleet and financial management, limited data analysis and reporting, inefficient documentation and compliance management are just some of the problems that every transporter experiences. Introducing FleetX Transporter ERP with real-time visibility. With FleetX ERP, make better data-driven decisions, reduce delivery time and increase revenue. Get smooth compliance and regulatory adherence. Increase operational efficiency for owned as well as hired market vehicles. Efficiently manage your accounts and finances. FleetX ERP, along with real-time visibility that allows you in-depth transparency in your fleet, is the most powerful solution in the market. In the coming episodes, we will talk more about how FleetX can help optimize your logistics operations. हम बात करेंगे मनीष जी से परिवहन व्यवसाय से जुड़े कई मुद्दों पर, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं ट्रांस इंडिया, रियल पीपल रियल इमोशंस। स्कूल बच्चों का दूसरा घर होता है, और इस घर का ख्याल रखना एक प्रिंसिपल के लिए आसान नहीं। पढ़ाई के साथ बच्चों का आराम, उनकी सेफ्टी छोटी से छोटी चीज मेरी प्रायोरिटी है। वैसे ही स्कूल बस चुनना भी एक बहुत बड़ा डिसीजन था। पेरेंट्स का पीस ऑफ माइंड, मैनेजमेंट का भरोसा और बजट साथ लिए चलना पड़ता है। इसीलिए कभी कभी फर्म भी बनना पड़ता है। आखिर कोई अपने बच्चों की जिम्मेदारी मुझे दे रहा है, तो कोई बजट की। लेकिन इतने सालों में एक चीज समझ आई है, अगर सही डिसीजन ले तो सबसे ज्यादा प्यार भी प्रिंसिपल को ही मिलता है। चुनिए महिंद्रा क्रूजियर स्कूल बसेस। यह है मजबूत ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, एंटी लॉक ब्रेकिंग, एंटी रोल बार, पैराबोलिक सस्पेंशन, आईमैक्स, वाइडर सीट्स और बेस्ट इन क्लास माइलेज के साथ बच्चों के लिए सेफ और बाकी सब के लिए सबसे स्मार्ट चॉइस महिंद्रा क्रूजियर स्कूल बस। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रांस इंडिया, रियल पीपल रियल इमोशंस। आज हम बात करेंगे मनीष कटारिया जी से, जो कई वर्षों से परिवहन से जुड़े हुए हैं और इस व्यवसाय के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं।
सबसे पहले मनीष जी, आपने ट्रांसपोर्ट व्यवसाय कब ज्वाइन किया और कैसे? ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में तो क्योंकि हमारे जो फादर थे उन्होंने राजस्थान से सबसे पहले कॉमर्शियल व्हीकल जो है वो पहला कॉमर्शियल व्हीकल फॉर इंटरस्टेट सर्विस फ्रॉम गुजरात टू उत्तर प्रदेश, तो वो हमारे फादर ने स्टार्ट किया था। तो बाई वर्च्यू ऑफ एंसेस्ट्रल बिजनेस मेरा ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में एंट्री हुआ और इट वॉज अराउंड ईयर 1990 दैट आई एंटर्ड इन टू ट्रांसपोर्ट बिजनेस। 1962-63 की ये कंपनी है और जो कि हमारा जो फर्स्ट ट्रक जो परचेज हुआ इट वॉज अराउंड 1962-63। जब आप इस व्यवसाय से जुड़े उस वक्त आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या थी? मैंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशंस और पर्सनल मैनेजमेंट से जो है स्पेशलाइजेशन कोर्स के मास्टर्स का, उसके बाद मैंने बिजनेस ज्वाइन किया। लेकिन ये तय था कि आप ट्रांसपोर्ट बिजनेस ही ज्वाइन करेंगे? नहीं, इट वॉज नॉट क्लियर। बेसिकली हमारे फैमिली में मदर जो है बहुत सीरियस हो गई थी और मदर वॉज एडमिटेड इन टू द हॉस्पिटल एंड शी वॉज हॉस्पिटलाइज फॉर अराउंड 6 to 8 months। तो उस टाइम एकदम फादर बहुत ज़्यादा उधर इन्वॉल्व हो गए, तो बाई वर्च्यू ऑफ दैट उसको फिर मेरे को इमीडिएटली एंटर करना पड़ा बिजनेस में और उसके थोड़े दिनों बाद फादर भी एक्सपायर हो गए, तो फुल फ्लेज्ड उस टाइम फिर मैं बिजनेस में आ गया। अगर आपको एक ऑप्शन दिया जाता तो आप क्या कोई और व्यवसाय ज्वाइन करते? अब ये तो आज की डेट में तो जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, डेस्टिनी जो है सही जगह ले जाती है, तो हो सकता है परिवहन व्यवसाय को मेरी जरूरत थी इसलिए मेरे को यहाँ भेजा गया। मनीष जी, इस समय आपका बिजनेस स्ट्रक्चर कैसा है, किन किन क्षेत्रों में हो आप? अभी एज फार एज कटारिया कैरियर्स इज कंसर्न, तो कटारिया कैरियर्स में हम लोग फुल ट्रक लोड का बिजनेस पूरा करते हैं, जिसमें कि और स्पेशलाइजेशन जो ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट का मूवमेंट होता है जिसमें लार्ज हाइड्रोलिक ट्रेलर्स और ये सब स्पेशलाइजेशन मूवमेंट, कंटेनर मूवमेंट भी है और FMCG मूवमेंट भी है। तो डिफरेंट वर्टिकल्स हैं हमारे बिजनेस के जिसमें कि अलग अलग जगह से हम लोग उसको देखते हैं और हमारे कॉरपोरेट कस्टमर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, मतलब 95% ऑफ आवर रेवेन्यू इज फ्रॉम कॉरपोरेट कस्टमर्स ओनली। और आपका फ्लीट साइज क्या होगा इस वक्त? फ्लीट साइज इज अराउंड 200+, जिसमें ट्रक्स भी हैं, ट्रेलर्स भी हैं, हाइड्रोलिक ट्रेलर भी हैं और लो बेड ट्रेलर्स भी हैं। मनीष जी, जो प्रोजेक्ट ट्रांसपोर्टेशन है वो आम ट्रांसपोर्टेशन से बहुत ही ज़्यादा अलग है, इसके चैलेंजेस क्या हैं? प्रोजेक्ट मूवमेंट में जो सबसे बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो इश्यूज और जो हमारे बॉटलनेक्स हैं, जो ब्यूरोक्रेटिक बॉटलनेक्स है, उसमें काफ़ी हद तक पिछले 5-7 सालों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया जब से ऑनलाइन परमिशन सिस्टम, हमारी जो एक बॉडी और हाइड्रोलिक ट्रेलर ओनर्स एसोसिएशन उसके एफर्ट्स से और उसके पर्सुएशन से पूरे देश में एक ऑनलाइन मूवमेंट परमिशन सिस्टम सिंगल विंडो में आया, उसके बाद बहुत बड़ा परिवर्तन आया और उसके कारण देश में प्रोजेक्ट मूवमेंट की रफ्तार भी बढ़ी और लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम हुई है। तो एक बहुत बड़ा चेंज जो है STOA के एफर्ट से हुआ है। मनीष जी, 1990 से आज तक ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के मेजर चैलेंजेस क्या रहे हैं? एक तो हम ये भी जानते हैं कि ट्रकर्स जो है वो अपना ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं जानते, ये किस हद तक इम्पोर्टेंट या एक बहुत बड़ा चैलेंज है? अगर हम पिछले 3 दशकों का देखें कि अब मोटा मोटी 30 साल हो गए हैं और उसमें जो सबसे बड़ा चेंज है कि हमारा जो साधारण ऑपरेटर है, जो ग्रास रूट ऑपरेटर है, उसको अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट पता नहीं है और वो इतने कंपल्शंस में व्यापार करता है कि वो ब्लीड करता है। और अगर आप इंडस्ट्री को एज ए होल देखें तो जितने लोग ट्रकर के साथ जुड़े हैं वो सिर्फ फ्लरिश कर रहे हैं, चाहे वो आप ऑटो ऑयल मैन्युफैक्चरर्स देख लीजिए, OEM मैन्युफैक्चरर्स देख लीजिए, स्पेयर पार्ट्स वालों को देख लीजिए, लुब्रिकेंट्स देख लीजिए, रिफाइनरीज देख लीजिए, ऑयल कंपनीज देख लीजिए, एवरीबडी, मिस्त्री को देख लीजिए, ड्राइवर को देख लीजिए, एवरीबडी इज़ फ्लरिशिंग। खाली जो ट्रकर है वो ब्लीड कर रहा है क्योंकि ही इज़ नॉट एबल टू नो एंड कंसोलिडेट कि मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है और उसको मेरे को मिनिमम उससे नीचे नहीं चलना चाहिए। तो ये जो एक गैप है इसके कारण इंडस्ट्री बहुत ही बैड शेप में और हमको कहीं ना कहीं एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, एक ऐसा इवॉल्व करना पड़ेगा कि एक मिनिमम बेस रेट जो हो उससे नीचे कोई भी ऑपरेट ना करे। क्या आपको लगता है हमारे एसोसिएशन या संगठन जो है वो ट्रकर्स को एडुकेट करने के लिए या उनमें जागरूकता लाने के लिए कुछ काम कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक एसोसिएशन का सवाल और संस्थाओं का सवाल है, उनका मूल उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो भी उसके मेंबर्स हैं वो कैसे फ्लरिश करें। लेकिन पिछले कुछ अरसे में हम देखें तो कहीं ना कहीं ऐसे गलत लोग आ गए एसोसिएशन में या कुछ ऐसे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल यूनिट्स हैं या जो लोकल यूनिट्स हैं, इतना वो स्कैटर्ड हो गया कि जो एक नेशनल मिशन था उसमें कहीं ना कहीं हम लोग पीछे रह गए। तो जहाँ भी संस्थाएं बिल्कुल कंसोलिडेट होके यूनिफाइड तरीके से अप्रोच कर रही हैं, सरकार उनकी बात सुन रही है और सरकार बहुत ही पॉजिटिव है इस मामले में कि अगर कोई भी सकारात्मक सुझाव आप लेके जाते हैं तो सरकार उसके ऊपर बात करती है और उसका कहीं ना कहीं एक तार्किक परिणाम देखने को मिलता है। तो
तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ तक एसोसिएशन का सवाल है उनका सिंगल मोटो होना चाहिए कि हमारे जो ट्रकर्स हैं और जो ट्रांसपोर्टर हैं उनको कैसे हम स्ट्रॉन्ग करें, ट्रक को कैसे उसकी एजुकेशन दें, उसको उसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसके ऊपर उसको कैसे कन्विंस करें। और जहाँ तक ट्रांसपोर्टर्स की सवाल है उसमें बहुत ही अहम मुद्दा है कि ट्रांसपोर्टर्स को अपनी लायबिलिटी के बारे में हमें ज़रूर जागरूक करना होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टर एक साधारण जो ट्रांसपोर्टर वो ये समझता है कि मैंने बिल्टी कार्ड दी और मैंने माल भेज दिया, अगर पहुंच गया तो कोई बात नहीं, नहीं पहुंचा तो कोई उसको टेंशन नहीं होता। लेकिन उसकी लीगल कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसका अगर माल में रास्ते में कोई भी डैमेज होता है, कोई भी होता है, तो उसमें आज की डेट में जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर डाली हुई हैं उसकी जगह कहीं ना कहीं हमको लॉज में ऐसे प्रोविजन चाहिए कि जो भी अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, अगर आप लें कि रेल है सबसे बड़ा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, एयर है, वाटर है, तो बाकी जितने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसमें सब में कैरियर की लायबिलिटी लिमिटेड है, उसमें क्लियर है कि जो प्रोविजन है लीगल प्रोविजन है उसमें क्लियर है। लेकिन अगर हम रोड ट्रांसपोर्ट को देखते हैं तो उसमें वो ओपन एंडेड है, उसमें कहीं ना कहीं 10 times ऑफ रेट का एक सरकार ने 2011 में जो परिवर्तन रूल्स में परिवर्तन आया उसमें लाए थे, लेकिन वो हर इंडस्ट्री को सेटिस्फाई नहीं करता है। और उसमें भी जब एक लाइन दी हुई है कि नेग्लिजेंस जब ना हो, तो देर इज़ अ वेरी सिंगल लाइन और एक थ्रेड बियर उसमें डिफ्रेंशिएट करना, ट्रांसपोर्टर को अप्रूव करना कि मेरी नेग्लिजेंस नहीं थी, ये बहुत ही दिक्कत वाला विषय है। तो ऐसे में मेरा जो मानना है कि सरकार को नीतिगत परिवर्तन करते हुए कैरियर की लायबिलिटी को जो अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं उनके साथ मैच करते हुए उसमें एक लिमिटेड लायबिलिटी कर देनी चाहिए और ट्रांसपोर्टर उसके प्रति अपना पूरा एक कैरियर लायबिलिटी का इंश्योरेंस लेके चले, ताकि एक बहुत ही प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में जो है ट्रांसपोर्ट परिवहन व्यवसाय जो है वो काम कर पाएगा और एक हम लोग बहुत एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगे। मनीष जी, आपने वाकई में सही कहा कि लायबिलिटी जो है एक ट्रांसपोर्टर पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा और क्या दिक्कतें हैं जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री फेस कर रही है? जो करप्शन हमारे सिस्टम में है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज की डेट में हम राष्ट्रीय स्तर पे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने बहुत ही स्पष्ट संदेश दिया हुआ है कि हमको करप्शन फ्री इंडिया करना है, और उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो सड़क परिवहन मंत्री हैं हमारे श्री नितिन गडकरी जी, उन्होंने बहुत मूलभूत सुधार एक्ट में, अगर हम जो रूल्स में हैं और एक्ट में जो है वो किए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि जो एनफोर्समेंट है वो राज्य सरकारों के हाथ में है, तो जब तक राज्य सरकारों की मंशा स्पष्ट नहीं होती कि उनको इस जो करप्शन का ट्री है इससे बाहर जब तक उनको फोर्स नहीं किया जाता, तब तक उसके जो रियल रिजल्ट्स हैं वो देखने को ज़मीनी स्तर पर नहीं मिल रहे हैं। जिसके कारण जो सरकार का विजन है, अभी जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी आई उसमें सरकार ने स्पष्ट कहा कि हम लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना चाहते हैं, लेकिन सरकार को ये भी सोचना होगा कि कहाँ से हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट किस कारणों से ज़्यादा है। तो करप्शन एक बहुत बड़ा उसमें कारण है, और उसमें एनफोर्समेंट के नाम पे जो उत्पीड़न होता है, मान लीजिए आज GST ऑफिशियल्स हैं, GST एक बहुत बड़ा परिवर्तन देश में आया और बहुत ही सफल इसके परिणाम हमको रहे हैं। जहाँ तक सरकार से हम राजस्व की बात करें, नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पर हमारे जो इमेज फॉर्म हुई है GST के एक सफल लॉन्चिंग से और सफल क्रियान्वयन से, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जो सड़क परिवहन है, जो ट्रकर है, आज भी उस उत्पीड़न से मुक्त नहीं हो पा रहा है, और जो एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स हैं, क्योंकि वो राज्य कर या वैट की उस सिस्टम से आए हैं जहाँ पे कि ट्रकर को रोक के वसूली करते थे, तो वो उस अभी भी उस माइंडसेट से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, जिसके कारण ट्रकों का और ख़ासकर परचून की गाड़ियाँ जो हैं उसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि जब आप फुल ट्रक लोड का लेके चलते हैं तो आप एक कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हैं, डिससेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन जो रिटेल बिजनेस है उसमें एक ट्रक में 100 लोगों का माल होता है। और पूरे सोशल सिस्टम को हम देखें तो जो गलत तरह के लोग हैं, चाहे पूरी सोसाइटी को एट ए लार्ज लें, तो जो करप्ट, जो जिसको हम कहेंगे क्रिमिनल्स हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं वो 2-3% से ज़्यादा नहीं होते, जिसके कारण इतनी बड़ी पुलिस फोर्स चल रही है। इसी तरह व्यापारी वर्ग में भी 95-97% जो लोग हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरा सही तरीके से काम करना चाहते हैं, खाली 2-3% लोग गलत होते हैं। तो अगर मेरा मानना ये है कि अगर मान लीजिए ट्रक में 100 लोगों का माल है और उसमें 97 लोग ठीक हैं, और 3 लोगों की गलती के कारण वो 97 लोग भी सफ़र कर रहे हैं उनका, क्योंकि आज की डेट में जब इतनी ज़्यादा टफ कंपटीशन हो गया, ओपन मार्केट हो गया, तो एवरीथिंग इज़ जस्ट इन टाइम। तो जब वो 97 लोगों का माल समय से नहीं पहुंचता है, उसके कारण जो डिससेटिस्फेक्शन होता है उसमें कैरियर भी अफेक्टेड होता है, व्यापारी भी अफेक्टेड होता है, और कहीं ना कहीं सरकार की छवि भी जो है धूमिल होती है। तो राज्य सरकारों को इस चीज़ को बहुत गंभीरता से देखना पड़ेगा, और इस
आपके इस आज कार्यक्रम के माध्यम से मैं जीएसटी काउंसिल से और माननीय वित्त मंत्री जी से भी मेरा निवेदन होगा कि इस अहम मुद्दे को देखें, जिसमें कि मल्टीपल पार्टीज़ का कंसाइनमेंट अगर एक ट्रक में है तो उस इशू में जो एक जिसके साथ प्रॉब्लम है आप बिल्कुल उस पर कार्रवाई करिए। और मैं व्यक्तिगत तौर पे और जो एसोसिएशन उसके तौर पे भी मैं चाहता हूँ कि ऐसे जो गलत लोग हैं वो चिन्हित होने चाहिए, क्योंकि उसके कारण जो सही लोग हैं उनको काम करने में दिक्कत होती है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन सिस्टम इतना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि हम समयबद्ध तरीके में उन तीन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें जो गलत, और 97 जो सही हैं उनको कैसे प्रमोट करें ताकि जो ये गैप है 97 और 3 का, इसमें हम और कमी करें और वो 3 को 2 पे लाएं, 1 पे लाएं और अल्टीमेटली 0 पे लाएं, वो टारगेट करें। दूसरा जो सबसे बड़ा करप्शन का ट्री है वो हमारा परिवहन विभाग है। परिवहन विभाग का जो एनफोर्समेंट है उसमें कुछ राज्य, मैं बहुत स्पेसिफिक बात करूँगा क्योंकि जब ये परिवर्तन आया जीएसटी वाला तो उसमें केंद्र सरकार और राष्ट्रीय स्तर पर स्पष्ट था कि सारे चेक पोस्ट व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी और सरकार का एक विजन था कि सीमलेस मूवमेंट अक्रॉस इंडिया होना चाहिए, एक भारत एक कर और एक सिस्टम। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि 6 साल बाद भी कुछ राज्य उस सिस्टम से, जो पुराना सिस्टम था उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं और निर्बाध रूप से वहाँ पर उत्पीड़न एवं वसूली की कार्रवाई हो रही है। अभी मध्य प्रदेश का अगर हम चर्चा करें तो मध्य प्रदेश आज की डेट में अगर मैं कहूँगा, मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा कि परिवहन के हिसाब से वो सबसे करप्ट स्टेट है पूरे देश में, जहाँ पे कि करप्शन बिल्कुल चरम सीमा पर है। हमारी जो शीर्ष संस्था ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, उसके द्वारा निरंतर पिछले 6-8 महीने से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जो मध्य प्रदेश के, इस विषय पर कोई भी गंभीरता से विचार करके रुचि नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण आज भी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो बढ़ रही, क्योंकि उसके कारण जब उत्पीड़न होता है, जब वसूली होती है तो कहीं ना कहीं हम ट्रैफिक को रोकते हैं। जब ट्रैफिक को रोकते हैं तो गाड़ी खड़ी रहती है, गाड़ी जब खड़ी रहती है तो उस पर गाड़ी पर जितने भी टैक्सेस हैं, जो एक्सपेंसेस हैं, वो पीरियोडिक बेसिस पे हैं। उसके कारण आप वो कहीं ना कहीं वो लोड करेगा अपने भाड़े पे, तो जब भाड़े पे लोड करता है तो उसकी जो ओवरऑल लॉजिस्टिक कॉस्ट जो हम वो करते हैं वो बढ़ रही है। और प्लस जो हमारा विजन है कि हम ट्रांजिट टाइम को कम करें, जो सरकार की मंशा है, जो केंद्र सरकार की मंशा है, जो पूरे देश की मंशा है, वो कहीं ना कहीं हम उसको डैमेज कर रहे हैं। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं पुनः एक बार निवेदन करूंगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश सरकार के हैं, कि इस विषय पे की गंभीरता को समझते हुए तत्काल जो हमारे देश की एक विजन है कि सीमलेस मूवमेंट हो, निर्बाध मूवमेंट हो, चेक पोस्ट की व्यवस्था समाप्त हो, तो मध्य प्रदेश में जितने एनफोर्समेंट के लिए चेक पोस्ट लगे हैं उस व्यवस्था को, तो उन्होंने अल्टीमेटम दिया है उससे पहले पहले उसको विड्रॉ करने का घोषणा करेंगे। हमने कई बार सुना है गवर्नमेंट से कि हमें लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करने की जरूरत है, लेकिन ये कैसे होगा, क्योंकि आज भी जो ट्रक है वो ज्यादातर 15 से 17 दिन तक ही चलते हैं, बाकी के वक्त लोडिंग अनलोडिंग पॉइंट्स या चेकिंग के लिए रोके जाते हैं। मनीष जी के इस पर क्या विचार है, हम जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। इफ यू ओन और वर्क विद अ लार्ज ट्रक फ्लीट, The next 30 seconds might be important for you. In the fast-paced world of logistics, efficiency is no longer an option but a necessity. But managing your operations with old legacy systems can be error-prone and chaotic. Lack of operational visibility, inefficient order, fleet and financial management, limited data analysis and reporting, inefficient documentation and compliance management are just some of the problems that every transporter experiences. Introducing FleetX Transporter ERP with real-time visibility. With FleetX ERP, make better data-driven decisions, reduce delivery time and increase revenue, get smooth compliance and regulatory adherence, increase operational efficiency for owned as well as hired market vehicles, efficiently manage your accounts and finances. FleetX ERP, along with real-time visibility that allows you in-depth transparency in your fleet, is the most powerful solution in the market. In the coming episodes, we will talk more about how FleetX can help optimize your logistics operations. आप देख रहे हैं ट्रांस इंडिया, रियल पीपल रियल इमोशंस। स्कूल
बच्चों का दूसरा घर होता है और इस घर का ख्याल रखना एक प्रिंसिपल के लिए आसान नहीं। पढ़ाई के साथ बच्चों का आराम, उनकी सेफ्टी, छोटी से छोटी चीज मेरी प्रायोरिटी है। वैसे ही स्कूल बस चुनना भी एक बहुत बड़ा डिसीजन था। पेरेंट्स का पीस ऑफ माइंड, मैनेजमेंट का भरोसा और बजट साथ लिए चलना पड़ता है। इसीलिए कभी कभी फर्म भी बनना पड़ता है। आखिर कोई अपने बच्चों की जिम्मेदारी मुझे दे रहा है तो कोई बजट की। लेकिन इतने सालों में एक चीज समझ आई है, अगर सही डिसीजन लें तो सबसे ज्यादा प्यार भी प्रिंसिपल को ही मिलता है। चुनिए महिंद्रा क्रूजियर स्कूल बसेस। यह है मजबूत ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, एंटी लॉक ब्रेकिंग, एंटी रोल बार, पैराबोलिक सस्पेंशन, आईमैक्स, वाइडर सीट्स और बेस्ट इन क्लास माइलेज के साथ बच्चों के लिए सेफ और बाकी सब के लिए सबसे स्मार्ट चॉइस महिंद्रा क्रूजियर स्कूल बस। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रांस इंडिया, रियल पीपल रियल इमोशंस। मनीष जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को तो कम लाना ही है, लेकिन एक और कारण इसका है कि जो ट्रक है वो माल उतारने और चढ़ाने के लिए काफी देर तक रुकाए जाते हैं। इस मुद्दे को कैसे हैंडल कर सकते हैं हम? बहुत ही अच्छा आपने एक ये प्रश्न दिया है, और इसमें ट्रेडर कम्युनिटी जो है आज की डेट में, आप देखिए कि जो अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, आप चाहे शिपिंग में ले लें, जो हम वेसल्स की बात करते हैं, बड़े बड़े वेसल आते हैं, उसमें एक टाइम लिमिट है कि आपको इतनी देर में पंद्रह, भले ही उसमें 10,000 टन माल आ रहा, 20,000 टन माल आ रहा, 50,000 टन माल तक के जहाज आज की डेट में हमारे पोर्ट्स पे आते हैं, उसमें एक समय सीमा है कि इस समय सीमा में आपको उसको माल को उतार के और वेसल को फ्री करना है। हवाई जहाज की बात करें उसमें मिनट में वो टाइम लिमिट है, लेकिन एक जो सड़क परिवहन व्यवसायी है, इसमें जो हमारा व्यापारी वर्ग है, सबसे पहली बात तो वो अपनी आवश्यकता से ज़्यादा या तो माल मंगा रहा है या किसी भी कंपल्शन में डिस्काउंट्स या स्कीम्स के उसमें वो एक ओवर ट्रेडिंग की जो मानसिकता है उसके कारण उसकी जो कैपेसिटी होती है स्टोरेज की, उससे ज़्यादा माल मंगा लेता है, और उसके यहाँ वहाँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, और अल्टीमेटली वो गाड़ी को ये मानता है कि फ्री की गाड़ी है और उसको वो वहाँ पर खड़ा रहता है, खड़ा रखता है, ट्रक में माल खड़ा रखता है। जब वो गाड़ी, जब उसका गोडाउन से माल खाली हो जाता है, तब वो गाड़ी उतारता है। तो जब तक हमको इस पूरे सेगमेंट को पूरे देश में, मैं कहता हूँ भाड़े में आप खूब कंपटीशन करिए, ओपन इकोनॉमी, हमको भाड़े में कोई भी कार्टलाइजेशन नहीं करना है, लेकिन जहाँ तक जो टर्म्स एंड कंडीशन की बात है, जो डिटेंशन की बात है, जो लोडिंग अनलोडिंग फ्री पीरियड की बात है, जैसे पूरे देश में रेल के लिए एक नीति है, हवाई जहाज के लिए एक नीति है, जो पानी के बंदरगाह के जो जहाज आ रहे हैं उनके लिए एक नीति, इसी तरह सड़क पे भी सरकार की तरफ से एक स्पष्ट नीति हो कि अगर माल आ रहा है तो ट्रक को आपको इतनी देर में फ्री करना है, और अगर वो फ्री नहीं करता है तो उसके बाद बियॉन्ड उसके जो भी, क्योंकि आज की डेट में वाहनों के आकार और वजन की जो क्षमता है वो अलग अलग है, तो उसके हिसाब से कोई ना कोई एक ऐसा रेशियो कर दिया जाए जिससे व्यापारी भी वर्ग भी जो है उसमें माने कि ये सबके लिए कॉमन है, और वो अपने यहाँ पे उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। और ये जो ट्रांजिट टाइम है, जब हमारी गाड़ी टाइमली फ्री होगी तो स्वाभाविक है वो गाड़ी खड़ी नहीं रहेगी, वो कहीं ना कहीं जाएगी, तो जो ओवरऑल लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो ग्रेजुअली कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे व्यवसाय की सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा जो ट्रकर है वो बहुत रीजनेबल मार्जिन के ऊपर काम करने की उसकी मंशा है, और ऐसे में अगर हम इस चीज़ को अचीव कर पाते हैं कि हमारा जो लोडिंग अनलोडिंग पीरियड है वो बिल्कुल फिक्स हो जाए, और उसके बियॉन्ड अगर कुछ होता है तो उसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन जो है वो व्यापारी वर्ग के ऊपर आए, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और लॉजिस्टिक कॉस्ट में निश्चित तौर पे कमी आएगी। मनीष जी, नीतियों की बात करें तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री एक साथ होकर एक कॉमन नीति नहीं बना सकी अपने लिए, जिसमें डिटेंशन चार्जेस हो गए, फ्रेट पेमेंट हो गए, इन सब चीज़ों को कभी डिस्कस ही नहीं किया गया है, ये किस हद तक ज़रूरी है? इसमें अगर हम देखेंगे तो जो व्यक्ति विशेष की आकांक्षाएं हैं उनका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। ये जो डिटोरिएशन एक तरह से ट्रेड में हुआ, तो उसमें पिछले कुछ दशकों में हम देखेंगे कि बहुत सारी एसोसिएशन जो हैं वो क्रॉप अप हो गई। तो जब भी
और ब्यूरोक्रेसी का तो स्पष्ट ही रहता है कि अगर मल्टीपल लोग आएंगे तो उनकी मजबूरी है कि सबको सुनेंगे और फिर उसमें से वो पिक कर लेते हैं जो ईजिएस्ट और जो मोस्ट उनको सूट करता हो। तो जब तक हम एक कॉमन वॉइस के साथ सरकार के पास, हमें जो भी मंथन करना है, हमारे मत अलग अलग हो सकते हैं, विचारधाराएं अलग अलग हो सकती है, हम लोग अलग अलग व्यापार जो गतिविधियां होती वो अलग, लेकिन जब हम सरकार के पास जाएं तो सारी एसोसिएशंस को एक कॉमन फोरम के तहत अंतर्गत उसमें जाना चाहिए और एक कॉमन वॉइस के साथ जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। लोग अपने जो व्यक्तिगत स्वार्थ हैं उससे ऊपर उठ के अगर हम ट्रेड की सेवा की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर सबकी दिशा एक ही होगी और उसमें कहीं ना कहीं जो ये कमी रही है उसके कारण आज जो हम ट्रेड का डिटोरेशन देख रहे हैं उसका कारण वही है। तो आपका बिल्कुल कहना सही है कि मल्टीपल एसोसिएशंस पिछले कुछ दशकों में क्रिएट हुई और लोगों ने एक सबको पद की एक लालसा हो गई है, उस लालसा के कारण कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी विकृति पूरे ट्रेड में आई है और उसके कारण ये सब दिक्कतें आ रही हैं। मनीष जी, आप यूपी मोटर ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के साथ कई सालों से जुड़े हुए हैं, इस एसोसिएशन के मेजर एक्टिविटीज क्या हैं? यूपी मोटर ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन एक 6 दशक 60 साल पुरानी संस्था है और अगर हम पूरे देश के सिस्टम की बात करें तो आज़ाद देश में सबसे ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन जो एक स्टेट लेवल की थी वो यूपी मोटर ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ही थी और देश का पहला ट्रांसपोर्ट नगर नाम से अगर कोई कॉलोनी बसी है तो वो कानपुर में ही बसी और जो हमारी बिल्डिंग भी है जहाँ पर हमारा ये यूपी मोटर ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का कार्यालय है वो उसी टाइम की बनी हुई है जिसका लोकार्पण जो है शहीद भगत सिंह की मदर जो हैं उन्होंने किया था। तो इतनी अच्छा इतिहास हमारी एसोसिएशन का रहा और 60 साल से वो पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम से चल रही है, हर 2 से 3 साल में उसमें चुनाव होते हैं, नए पदाधिकारी आते हैं, अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं और आगे बढ़ते हैं और पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व, आज उत्तर प्रदेश पूरे देश का सबसे बड़ा राज्य है और मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि इतनी पारदर्शिता के साथ अगर कहीं प्रतिनिधित्व हो रहा है तो यूपी मोटर ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन से हो रहा है और हम एक स्वर से पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी बात को सरकार के सामने रखते हैं और सरकार उस पर सकारात्मक विचार करते हुए बहुत ही सार्थक उसमें परिणाम आते हैं। मनीष जी, अगर हम यूपी के ट्रांसपोर्टर्स की बात करें तो इनके मेन मुद्दे क्या हैं यूपी में? यूपी में आज की डेट में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो जो ई चलान का है, वो एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हुआ है जिसमें कि अब्यूज़ ऑफ पावर हो रहा है क्योंकि एक क्लैरिटी नहीं है सरकार की जो एनफोर्समेंट सिस्टम है और उसमें यहाँ तक हो रहा है कि जो धाराएं जिस जुर्म पे लागू ही नहीं होती है उस पे लागू करके सरकार ने इसको राजस्व का एक जरिया बना लिया है। अगर मैं स्पेसिफिक बात करूँ कि जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है उसमें एक प्रोविज़न होता है कि जो शहरी सीमा क्षेत्र होते हैं वहाँ पर यातायात विभाग को, पुलिस को एक पावर होती है कि आप लिमिटेड आवर्स में ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शन कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द लोकल ट्रैफिक कंडीशंस। और पूरे देश में व्यवस्था, अगर हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को भी लें तो रात में वहाँ पे कोई बैरियर नहीं है, रात को 11 बजे या 10 बजे के बाद जो भी वहाँ की लोकल ऑर्डर्स होंगे उसमें सुबह 6-8 बजे तक बिल्कुल निर्बाध ट्रैफिक चलता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक और उसमें जो धारा है वो नो एंट्री, क्योंकि ट्रैफिक का आपको जो डिस्प्ले है, जो अगर रेस्ट्रिक्शन है तो वो आपको वाइड डिस्प्ले, उसका वाइड कवरेज, आपको एडवर्टीजमेंट, उसका पब्लिक नॉलेज के लिए आपको दूर से बताना पड़ेगा कि भाई हमारा इस क्षेत्र के आगे नो एंट्री लग रही है इस लाइन के आगे, कि आदमी उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है कि वो जो उसका साइनेज लगाते भी हैं, अगर पहले तो साइनेज थे ही नहीं, पिछले कुछ माह में यातायात पुलिस ने जागरूकता के तहत, क्योंकि UPMTA ने इस मुद्दे को बहुत ही मजबूती से सरकार के सामने उठाया था और यहाँ तक कि हम माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में हमारी रिट भी उस पर याचिका भी पेंडिंग है, उसके दबाव में सरकार ने पूरे प्रदेश में शहरों में अभी वो बोर्ड लगाए हैं, लेकिन वो जो बोर्ड भी लगाएं जहाँ पे नो एंट्री सीमा क्षेत्र शुरू होती वहाँ पे बोर्ड लगाएं, और जब आदमी आके वो ट्रैफिक पुलिस का जो सिपाही है, क्योंकि उसके ऊपर राजस्व का इतना उन्होंने दबाव डाल रखा है कि उसको टारगेट दे रखे हैं सिस्टम ने कि इतने रुपये के चलान तुमको करने हैं, तो वो ट्रक वाले का इंतज़ार करता है कि वो वायलेट करके अंदर चला जाए और उसका फिर वो चलान करता है। तो इस तरह के लाखों चलान पूरे प्रदेश में जो है वो गलत धाराओं में हो रखे हैं और जो नो एंट्री की धारा है वो मोटर व्हीकल एक्ट और रूल्स में स्पेसिफिकली डिफाइंड है कि उसमें धारा 177 के तहत जो है 500 रुपये का चलान है और पूरे देश के अन्य राज्यों में 500 रुपये का ही चलान हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश खाली एक ऐसा राज्य है जहाँ पे उसको उन्होंने ओवरलोडिंग की धारा लगाते हुए 20,000 रुपये का चलान कर रखा है और उसके कारण लाखों लाखों ट्रकर पूरे देश के इस व्यवस्था से परेशान है और कहीं भी इसमें जो ट्रैफिक मुख्यालय है
उससे भी निरंतर हम लोग प्रयासरत हैं, लेकिन उन्होंने भी इस मुद्दे पे हमको अभी तक, और मेरे खाली उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के ऑपरेटर इससे त्रस्त है, क्योंकि चेन्नई का भी ट्रक वाला यहाँ आता है, कश्मीर का भी ट्रक वाला आता है, मणिपुर का भी ट्रक वाला आता है, सबके साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है, इसके कारण उत्तर प्रदेश की छवि जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। दूसरा जो विभाग का उत्पीड़न का मुद्दा है वो जीएसटी का है, कि जीएसटी की सबसे बड़ी एनफोर्समेंट फोर्स अगर कहीं पूरे देश में किसी राज्य में तो उत्तर प्रदेश में, मेरा ऐसा मानना है, और उसके कारण सड़क पे उनको जो भी, उनको भी वही दिशा कर दी गई। मेरा मानना है कि एनफोर्समेंट विभाग ऐसा होना चाहिए, उसकी कार्यप्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में, कि साल दो साल तीन साल के बाद एक ऐसा वातावरण क्रिएट हो जाए कि आपको किसी को पकड़ने की ज़रूरत ही ना पड़े, व्यापारी को हम इतना एजुकेट कर दें, इतना उसको लॉ कंप्लायंट कर दें कि हम राम राज्य की, जब हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इतना बड़ा प्रयास कर रहे हैं और अयोध्या में पूरे भारत सरकार और राज्य सरकार और पूरे देश की जनता लग के एक भव्य राम मंदिर का निर्माण कर रही है, तो असली राम राज्य का अगर उत्तर प्रदेश में अगर राज होना है तो हमको ऐसे एक एनफोर्समेंट सिस्टम को लाना है जिसमें कि व्यापारी और ट्रक वाला कभी भी गलत कार्य करने की मंशा ना रखे और वो उसको हमको एनफोर्समेंट विभाग की जरूरत ही ना पड़े। मनीष जी, हम किसी भी गवर्नमेंट की बात करें, चाहे वो स्टेट में हो या सेंटर में हो, वो रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को एक रेवेन्यू सोर्स देखते हैं कि हमें यहाँ से बस पैसे लेने हैं किसी भी तरह से। ये इंडस्ट्री को किस हद तक इफेक्ट कर रहा है? मैं निरंतर इस बात को कह रहा हूँ कि जब तक आप एनफोर्समेंट को राजस्व का जरिया मानेंगे, बेसिकली आपको माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। एनफोर्समेंट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज ए सोर्स ऑफ रेवेन्यू। एनफोर्समेंट को क्योंकि हमने वो राजस्व का जरिया मान लिया, आज जब रिव्यूज़ होते हैं, जो क्योंकि अधिकारियों से जब मेरी वार्ता होती है तो वो कहते हैं कि हमको मंथली टारगेट है, तो ये जो टारगेट सिस्टम है, ये टारगेट ये होना चाहिए कि तुमने कितने व्यापारियों को ठीक किया, तुमने कितने ट्रक वालों को, ऐसे कितने ट्रक वाले हैं जिनका पिछले साल चालान हुआ था और इस साल नहीं हुआ। हमारी जो रिव्यू का जो मैकेनिज्म होना चाहिए, ऐसे कितने व्यापारी, ऐसे कितने जीएसटीएन होल्डर हैं जिन्होंने कि पिछले साल नॉन कंप्लायंस में गए थे और इस साल उनका एक भी केस रजिस्टर नहीं हुआ। तो हम जब इस दिशा में जाएंगे तो ये पूरा एक परिवर्तन देखने को मिलेगा, और इस ट्रक वाले को जब तक आप रेवेन्यू का जरिया मानेंगे तो लॉजिस्टिक कॉस्ट देश में कम नहीं हो सकती। हमको जब सरकार का विजन है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करनी, तो हमको बिल्कुल सीमलेस मूवमेंट और डिजिटल एनफोर्समेंट के थ्रू, कि हम रादर देन उसको सड़क पर पकड़ने के थ्रू, हमारा डेटा एनालिटिक्स इतना स्ट्रांग हो कि आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है और माननीय गडकरी जी इतना प्रभावशाली ढंग से नीतियों में परिवर्तन कर रहे हैं, हम क्यों ना एक सिस्टम कर दें कि जो ट्रक का, आज की डेट में जो हमारा सिस्टम, हम ये मानते हैं कि ट्रक वाला का ड्राइवर और ओनर और व्यापारी, तीन लोगों की कनाइवेंस से कोई अपराध हो रहा है तो ड्राइवर का सबसे बड़ा जो भय होता है वो उसका ड्राइविंग लाइसेंस होता है। तो जो सरकार की मंशा अगर हमें लगना है, तो जब ड्राइवर, जब गाड़ी ट्रिगर हो उसका हम इग्निशन ऑन करें, तो वहाँ पे आज की डेट में सारे डिजिटल हमारे जो हैं इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस हो गए हैं, जो कि हमारे कार्ड वाले हैं जिसमें चिप वाले हैं, तो चिप लाइसेंस को उसमें मैंडेटरी कर दें, एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर दें कि जब वो चिप डालेगा, जब अपना लाइसेंस लगे, तभी गाड़ी स्टार्ट होगी। तो गाड़ी की, ड्राइवर की रियल टाइम ट्रैकिंग हो गई। ऐसी कई घटनाएँ हुई हैं जिसमें कि ड्राइवर, क्योंकि हमारे यहाँ शॉर्ट सप्लाइड कमोडिटी, आज की डेट में अगर हम पूरे देश की बात करें तो करीब 18-20% वाहन पूरे देश में बिना स्किल ड्राइवर्स के खड़े हैं। एक तरफ सरकार की मंशा स्किल डेवलपमेंट की और दूसरी तरफ स्किल में हम ड्राइवर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, तो हमको वो कारण को समझने की आवश्यकता है कि क्यों हमारे पास ट्रेंड मैन पावर, मैन जो है वर्कफोर्स, ड्राइवर्स के रूप में नहीं आ पा रही है। जो ड्राइवर्स, किसी भी अगर आप लॉरी ऑपरेटर को लें, बड़े जो फ्लीट ऑपरेटर हैं, उनके ड्राइवर्स के बच्चे अब ड्राइवर नहीं बन रहे। और सबसे बड़ा जो डेंट किया है मनरेगा जो सिस्टम आया, उसने जो एक नेचुरल सिस्टम में पहले ड्राइवर के साथ हेल्पर्स रहते थे ट्रक में, तो वो हेल्पर जब रहता था तो हेल्पर ग्रेजुअली वो फिजिकल ट्रेनिंग होके, जो एक तरह से कहेंगे ग्राउंड ट्रेनिंग, ग्राउंड जो वर्कफोर्स थी, वो धीरे धीरे सीखता हुआ वो ड्राइवर बन जाता था और वो एक ऑटो मोड में ड्राइवर की वैकेंसी को पूरा करता था। लेकिन मनरेगा आने के बाद पूरे सिस्टम ने इसको कोलैप्स कर दिया मनरेगा के, और अब क्योंकि जो उसकी एक्सपेक्टेशन है, जब उसको घर बैठे खाने को मिल रहा है, उसको एक मिनिमम जो उसको लिविंग स्टैंडर्ड चाहिए वो मेंटेन हो रहा है, तो वो कहीं भी जो कहेंगे लेबर इंटेंसिव जॉब में नहीं जाना चाहता है। तो जो नया यूथ है वो चाहता है कि मेरे को वाइट कॉलर जॉब मिले, जो कि बिल्कुल मैं 10-6 ऑफिस में जाऊँ और मैं शाम को फ्री हो जाऊँ।
तो वो ट्रकिंग में कब संभव होगा कि हम ड्राइवर की इतनी वर्कफोर्स कर दें कि वो ट्रेन की तरह, प्लेन की तरह, एरोप्लेन की तरह, वेसल्स की तरह हमारी वर्कफोर्स शिफ्ट में चले। तो आपको सबसे पहले उस स्किल को, इस जॉब को इतना अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा कि तुम्हारा रास्ते में अब्यूज नहीं होगा, तुम्हारे साथ कोई उत्पीड़न नहीं होगा, तुमको रास्ते में कोई गाली गलौच नहीं करेगा, रास्ते में जो अधिकारी मिलेंगे या जो आम जनता, जरा सा कहीं ट्रक टच हो जाती है तो ड्राइवर के साथ जो मारपिटाई होती है, इसके ऊपर हमको बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लाने पड़ेंगे। तो ड्राइवर के जॉब को इतना अट्रैक्टिव करना होगा कि हमारा जो नया यूथ आ रहा है वो ड्राइवर के जॉब को अपनी इच्छा से ग्रहण करे, उसमें स्किल डेवलपमेंट हो, और उसके कारण जो है वो एक, जब ये वर्कफोर्स अच्छी हो जाएगी फिर आपके पास चॉइस होगी कि हमको किसको खराब कहना है, किसको गलत कहना है, किसको सही कहना है। आज की डेट में जब आपके पास ड्राइवर है ही नहीं तो जो मार्केट में मिल रहा है, आपकी मजबूरी, अगर उसके पास एक वैलिड डीएल है तो आपको उसको होल्ड करना है। तो मैं पुनः उसी बात पे आता हूँ कि उस सिस्टम में ड्राइवर के, जब हम ट्रक की जो इग्निशन सिस्टम है उसको अगर हम चिप से लिंक कर देते हैं तो ड्राइवर के वर्किंग आवर्स आपके डेटाबेस में आ गए, और अगर कहीं भी इररेगुलरिटी हो रही है तो आपकी जानकारी में है कि कौन ड्राइवर उसको कर रहा है, और उसके ड्राइवर को आप उसमें मार्किंग दीजिए, उसके लाइसेंस को, अगर वो स्पीड वायलेशन कर रहा है। मनीष जी, हाल ही में एक सजेशन आया था कि ट्रकर्स को FCM के अंडर लाया जाए, GST के जो दो पहलू हैं FCM और RCM। एक ऐसा थॉट था कि अगर ट्रकर्स FCM में आएंगे तो उनका फायदा होगा, आपके इस विषय पर क्या विचार है? देखिए, ये बहुत ही ग्लिची क्वेश्चन है जिसको आपने कहा कि ट्रकर्स को इसमें FCM में ले आना चाहिए। सरकार, अगर हम GST की जो, जहाँ से जन्म हुआ GST का, सर्विस टैक्स से जन्म हुआ, सर्विस टैक्स कोई आज का नहीं है, 28 साल 1994-95 का बजट में सर्विस टैक्स की धारणा लाई गई और उस टाइम से ये सर्विस टैक्स की चल रही है। तो जो पहला सर्विस टैक्स का जो एक्ट इनेक्ट हुआ उसमें स्पेसिफिकली लिखा है कि ट्रकर जो है, जो ट्रक है उसको हम GST के दायरे से बाहर रखेंगे। तो जब आपके कोर उसमें लिखा हुआ है कि ट्रक को हम बाहर रखेंगे तो अब उसको अंदर लाने, क्योंकि एक्ट में वो प्रोविजन वहां का किया हुआ है, और उसी कारण से जब आपने ट्रांसपोर्टर्स, तो दो अलग अलग विधाएं हैं बेसिकली, हमारा जो कन्फ्यूजन है वो हम दोनों विधाओं को मिक्स कर रहे हैं। एक है ट्रक ऑपरेटर, जो कि ट्रक ओनर जिसको हम कहेंगे, जो कि गवर्न हो रहा है मोटर व्हीकल एक्ट से, और दूसरा है ट्रांसपोर्टर, जिसको हम लीगल टर्म्स में लें तो वो कॉमन कैरियर है, जो गवर्न हो रहा है कैरेज बाय रोड एक्ट से। तो दोनों अलग अलग कानून के तहत अलग अलग आइडेंटिटीज हैं, अलग अलग बिजनेस वर्टिकल हैं। तो जो सर्विस टैक्स लगाया गया वो सदैव ही ट्रांसपोर्टर पर लगाया गया, ट्रकर को डे वन से उससे परव्यू से, जो एग्जेम्प्टेड वाली जो कैटेगरीज हैं कि जिसमें कभी जो इस दायरे से ही बाहर है, इस टैक्सेशन सिस्टम से बाहर है, वो उसमें ट्रक ओनर है। अब एक कोइंसिडेंस है कि एक ही आदमी दोनों तरह के व्यापार कर रहा है, कि वो ट्रक ओनर भी बन गया और वो ट्रांसपोर्ट ओनर भी बन गया। तो मेरा जहाँ तक व्यक्तिगत ओपिनियन है कि ये मिक्स के कारण एक कन्फ्यूजन सिस्टम में है, और सरकार को इस पर स्पष्ट रूप से क्लैरिटी दे देनी चाहिए कि जो हमने एक्ट में जो स्पेसिफिक प्राविधान है कि ट्रकर के ऊपर कोई भी नहीं, जब ट्रक पे है ही नहीं तो उससे जो राजस्व अर्न हुआ वो टैक्स फ्री है, बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। तो इसीलिए जब इनिशियली जब सर्विस टैक्स लगा, और 2004-05 में जब पहली बार सरकार ने मंशा करी कि हम इस पर टैक्स लगाएंगे, उस पर बहुत बड़ा आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ, हमारे कई शीर्ष नेता उस टाइम जेल भी गए, और सरकार ने स्पष्ट रूप से, चिदम्बरम जी वित्त मंत्री थे, उन्होंने संसद में कहा कि मैं कहीं भी, मेरा मंशा ये नहीं है कि हम ट्रक वाले को लाएं। और उसके पीछे एक लॉजिकल कारण है, क्योंकि जो ट्रक ऑपरेटर है वो पूरे देश के अंत, बिल्कुल इंटीरियर गांव तक बसा हुआ है जो ट्रक ओनर है। अगर हम जम्मू कश्मीर के बिल्कुल सुदूर पहाड़ी क्षेत्र ले लें, वहाँ पे भी अगर कोई फौजी अगर पेंशन लेके आया तो हो सकता है उन्होंने अपने पेंशन के पैसे से एक ट्रक बना लियो कि अपने, मैं एक रेगुलर मेरा, क्योंकि फौजी आइडल नहीं रह सकता, तो फौजी ने क्या किया कि ट्रक ओनर बन गया, तो वो ट्रक भी चला रहा, बिजी भी हो रहा, और एक उसका जो उसका कहेंगे आजीविका का एक साधन भी हो गया। अदरवाइज वो 10-20 लाख उसको पेंशन मिली, वो साल दो साल में खा पी के ख़त्म कर देगा। ऐसी बिल्कुल हम पौंडीचेरी चले जाएं, वहाँ भी हमको मिलेगा, कन्याकुमारी वहाँ भी मिलेगा, नागालैंड में भी ट्रक मिलेंगे आपको, मेघालय में मिलेंगे, गुजरात, पूरे देश में कोने कोने में गांव तक ट्रक मालिक है। और आज की डेट में कॉमर्शियल व्हीकल इतना वाइड एरिया हो गया है कि आप समझिए कि
बिल्कुल छोटे से छोटा आदमी भी एक जो टेम्पो रन कर रहा है वो भी कॉमर्शियल व्हीकल है, तो वो कहीं ना कहीं उस इतने बड़े सिस्टम को आप एक टैक्सेशन सिस्टम में लाना चाहते हैं, उसको एक रेगुलराइज करना चाहते हैं, तो एक सरकार के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि खासकर जब हमारे देश में साक्षरता का जो रेशियो है वो पिछले सालों में भले ही इम्प्रूव हुआ हो लेकिन जो लिटरेसी लेवल है और जो एक साधारण व्यापारी है वो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, आप कॉरपोरेट हाउसेस को अलग कर दीजिए, लेकिन जो आम व्यापारी है जो जन साधारण में जो एक परचून की दुकान खोल के काम कर रहा है आज, इसीलिए जब GST भी आया तो सरकार ने देखिए स्पष्ट कहा कि इनवॉइसिंग अभी उन्होंने कहा हम 5 करोड़ तक ही करेंगे, सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि जो 1 लाख रुपए का भी व्यापार कर रहा है उसको भी इनवॉइसिंग करनी है, क्योंकि सरकार को ये मालूम है कि हम यहाँ पे एनफोर्स नहीं कर पाएंगे और उसको रेगुलेट नहीं कर पाएंगे अगर हम इतना बड़ा सिस्टम दे देंगे तो इसी तरह जो ट्रक में है सरकार को मालूम है कि इतना ये डीप स्प्रेड है पूरे देश में, बिल्कुल जैसे खून हमारे शरीर में हर जगह हर अंग में है हर उसमें है, इसी तरह जो ट्रकर है वो देश के कोने कोने तक हर नर्व तक हमारे फैला हुआ है, तो उसको एक सिस्टम में एक सूत्र में पिरोना एक बहुत बड़ा टास्क, और अगर ऐसी मंशा जब सरकार की स्पष्ट है, ऐसे में जो कन्फ्यूजन है कि ये ट्रक वाला जो है वो FCM में आना चाहिए, मेरा मानना है कि जो ट्रक का रेवेन्यू आ रहा है वो आउट ऑफ एम्बिट ऑफ सर्विस टैक्स है, GST उसमें लागू ही नहीं है, तो जब किसी का फाइनल जो उसका रेवेन्यू है जो फाइनल उसकी एक तरह से अर्निंग है वो अगर टैक्स फ्री है तो उससे इनपुट का सवाल ही नहीं उठता है, तो जो इनपुट अगर किसी कारण से जो ट्रांसपोर्ट ओनर हैं वो ट्रक वाले भी हो गए हैं तो अगर वो ऐसा इनपुट ले रहे हैं तो इसको सरकार को इस पर क्लैरिटी देनी चाहिए और इस पर ताकि स्पष्ट हो कि वेदर वॉट इज़ द विजन ऑफ गवर्नमेंट, और एक अनएनफोर्सेबल सिस्टम होगा अगर हम इस सारे को FCM में ले जाते हैं तो पूरा सिस्टम कोलैप्स होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि अभी हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ऐसी थॉट प्रोसेस नहीं है, ऐसी वर्कफोर्स नहीं है कि जब इतना डीप रूटेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टैक्सेशन सिस्टम कर पाएंगे, तो ये जो सर्विस एक बाहर है उससे उस सर्विस को हम अगर GST के दायरे में लाना चाहते हैं तो पहले सबसे बड़ी बात है कि उसमें इनपुट मिल क्या रहा है, आज की डेट में जो हम 28% की बात करते हैं वो कैपेक्स है कि जब उसने वाहन खरीदा तो उसने उसके ऊपर 28% मिल गया, लेकिन वो जो हमारा ट्रेड है वो उधारी पे चल रहा है तो उसको वो एक अपना फंडिंग सोर्स मान के वो आगे उधार दे देता है, प्लस हमारे फ्रेट में अनसर्टेनिटी है कि हमारे को भाड़ा 100% तभी रियलाइज होता है जब हम उसके माल को सही सलामत और उसकी समय सीमा में उसको गंतव्य तक उसको डिलीवर कर देते हैं, उसके बाद भी कस्टमर अपनी चॉइस से भाड़ा देता है कि वो आज देगा, आपने जैसे कहा कि कोई कानून नहीं है कि कितने दिन में भाड़ा देगा, आज देगा, 1 महीने बाद देगा, 2 महीने बाद देगा, 6 महीने बाद देगा, और हो सकता है दे ही ना, तो ऐसे में अगर आप इसको FCM में ले जाएंगे तो आपने ट्रक वाले के ऊपर तो लायबिलिटी खड़ा कर दिया, और उसके पास जो ओपेक्स मॉडल है जो उसका ऑपरेशन कॉस्ट है उसमें इनपुट के लायक कोई चीज ही नहीं है, आज की डेट में 60% उसकी जो लागत है वो डीजल से है, बाकी 30% लागत में जो है वो उसके खुद के पर्सनल ड्राइवर के खर्चे हैं, ड्राइवर की तनख्वाह है और टायर वायर, जो टायर और जो भी इनपुट वाले कंपोनेंट हैं वो हार्डली समझिए आप 10% भी नहीं है, तो 10% के अगर अगेंस्ट मैं मान लेता हूँ कि 18% एवरेज उसमें टैक्सेशन है GST की दर है, तो 10% में 1.8% हमको मिलेगा, तो वेदर 1.8% के लिए इतना बड़ा एक्सरसाइज कोई करेगा कि एक पूरे सिस्टम में जाना, जब तक आप उसको अगर आपको FCM में सरकार की मंशा ऐलानी है तो उतना लिक्रेटिव करना पड़ेगा कि जो हमारी 60% कॉस्ट है उसको हमें जो है इनपुट के लायक करना पड़ेगा, जब तक वो इनपुट के लायक नहीं तब तक इस बारे में विचार करना और इस बारे में चर्चा करना ये निरर्थक समय बर्बाद करना और कुछ भी नहीं है। मनीष जी, हाल ही में गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया है कि ट्रक्स में AC कंपलसरी होगा, इस पर क्या विचार हैं आपके? नहीं, बहुत ही अच्छा सराहनीय प्रयास है और सही दिशा में कदम है, जैसे मैंने अभी कहा कि हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें 18-20% ड्राइवर्स की शॉर्टेज है, तो इस जॉब को हमें अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, जॉब को अट्रैक्टिव का एक सिस्टम है, आप उसको फाइनेंशियली अट्रैक्टिव करिए तो वो ओपन इकोनॉमी है, डिमांड एंड सप्लाई का गेम है, आप उसकी वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करिए, आप उसका जो रास्ते में जो उसके साथ अब्यूज़ हो रही है हाईवेज के ऊपर उसको रोकी, उसको ख़त्म करिए, तो हमारे यशस्वी जो हमारे हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं गडकरी जी, उन्होंने बहुत ही सही कदम ये उठाया है कि उसकी वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने में एक ये सार्थक कदम और एक मील का पत्थर साबित होगा, कि आज आप मेरे को बताइए कि आज जब से
फोर व्हीलर में एयर कंडीशनिंग सिस्टम आ गया है मैंडेटरी, कितने लोग ऐसे हैं जो बिना एसी के डेट आज की डेट में चल रहे हैं? मुझे नहीं लगता है, चाहे कोई भी बैठ रहा हो सबसे पहले, क्योंकि हमारे देश में टेम्परेचर वेरियंस इतना है, ट्रक में आज की डेट में इतना ट्रांजिट टाइम का इंपॉर्टेंट रोल हो गया है कि क्योंकि व्यापारी का वो माल, उसको जस्ट इन टाइम चाहिए, उसकी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, उसकी दुकान बंद हो जाएगी, उसका पूरा एस्टेब्लिशमेंट बंद हो जाएगा। तो जब हमारे ऊपर उस ट्रांजिट टाइम का इतना दबाव और हम सरकार बार बार इस ओर, और हम भी ये चाहते हैं कि जो हमारी एवरेज रनिंग आज की डेट में 200 से 250 किलोमीटर है, हम उस लॉजिस्टिक कॉस्ट को हमको करने के लिए हम 400 से 500 किलोमीटर में पहुँचें, तो उसकी वर्किंग कंडीशन जब इम्प्रूव होगी, जब उसका फटीक कम होगा, तो स्वाभाविक है कि ड्राइवर जो है वो कंफर्टेबली अगर चलाएगा गाड़ी को तो चलेगा। जैसे पहले अगर हम आज से 20 साल पुरानी बात करें तो पावर स्टीयरिंग नहीं थे, तो ड्राइवर की एक इमेज थी कि ड्राइवर जब आप देखते थे बिल्कुल आपको लगता था कि मोटा ताजा बिल्कुल हैवी बॉडी वाला जो है, मतलब एक परसेप्शन था लोगों को कि ऐसा मजबूत जो कद काठी वाला होगा वही ट्रक ड्राइवर हो सकता है। लेकिन जब पावर स्टीयरिंग जैसी टेक्नोलॉजी आई तो पूरे देश की एक पूरी व्यवस्था बदल गई कि आज आप देखेंगे कि बिल्कुल जो 50 किलो का बच्चा भी है, जो है एक, जो एक यूथ है, वो भी गाड़ी चला रहा है और वो उसकी ड्राइविंग स्किल आर मच बेटर देन ए 90 kg ओल्ड ड्राइवर। तो इसी तरह का ये परिवर्तन जो है हमको इसमें देखने को मिलेगा जब हम एयर कंडीशनिंग लाएंगे, तो जो यूथ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि उसको बहुत ही परफेक्ट आज की डेट में एक एम्बियंट एटमॉस्फेयर चाहिए काम करने के लिए, वो उसको मिलेगा। आखिरकार मनीष जी, रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का फ्यूचर, भविष्य कैसे दिख रहा है आपको यहाँ से? नहीं, रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और जितना इन्वेस्टमेंट हमारे देश में भी आ रहा है, जो सरकार की जो नीतियाँ हैं उसके तहत जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उसके कारण ओवरऑल प्रोडक्शन हब के रूप में देश का विकास होना निश्चित है। जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, जो पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, जो एयरपोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, सभी पे बहुत ही तेज़ी से काम हो रहा है। तो लॉजिस्टिक्स की देश में बहुत अहम भूमिका है और लॉजिस्टिक्स बहुत बढ़ेगी। तो जो भी लोग एक अपना ऑपरेटिंग कॉस्ट मॉडल पे, एक अपनी जो सबसे बड़ी जो कमी है, जो कि ट्रक वाले को ये नहीं पता है कि मेरे को मिनिमम कितने रेट से नीचे मेरे को नहीं चलना चाहिए, अगर उस दिशा में हम काम करेंगे और अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट से ऊपर एक रीजनेबल मार्जिन लेके, एक छोटा सा उदाहरण है कि आप इंडिका कार, सबसे ज़्यादा टैक्सी में अगर हम, पहले इंडिका होती थी, आज की डेट में इंडिगो है, स्विफ्ट डिज़ायर है, ये सारी गाड़ियाँ जो हैं, तो आप पूरे देश में कहीं से कहीं चले जाइए, कहीं भी आपको 10 रुपये से कम में फोर व्हीलर नहीं मिलेगा। आप चाहे कहीं से कहीं चले जाइए, आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक चले जाइए और सुदूर द्वारिका से लेके आप मेघालय तक चले जाइए, आप वो 10 से 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द व्हीकल कंडीशन, डिपेंडिंग ऑन द लोकल कंडीशंस कि वो हिली टेरेन में है, रफ टेरेन में है, लेकिन वो 10 रुपये से आप किसी टैक्सी वाले से कहेंगे तुम 8 रुपये में कर दो, खड़ा रहेगा लेकिन चलाएगा नहीं। तो सेम जो एक थॉट है, जो एक आइडिया है, जो एक कॉन्सेप्ट है, ये हमको ट्रकिंग इंडस्ट्री में लाना है कि हमको भले ही हम कम चले, हमको उस रेट से नीचे जो हमारी कॉस्ट है, हमको कॉस्ट पे क्लैरिटी चाहिए। और उसका कारण, कॉस्ट पे क्लैरिटी होने का कारण क्या है, ना होने का कारण क्या है, कि हमारा जितना सिस्टम है, जो टैक्सेशन सिस्टम है, वो सब पीरियोडिक बेस्ड है कि ड्राइवर की तनख्वाह मंथली है, गाड़ी पे टैक्स मंथली है, गाड़ी पे परमिट एनुअल है, गाड़ी का इंश्योरेंस एनुअल है, तो जितनी ईएमआई मंथली है, तो जितना आपका खर्चा हो रहा है वो आपका टाइम बेस्ड है, तो वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाता। जो गाड़ी वाले की प्रॉब्लम है कि वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाता कि मेरी गाड़ी पर किलोमीटर कॉस्ट क्या आ रही है। तो अगर सरकार इसमें ऐसा कुछ लॉ ला के हमारी एसोसिएशन उस दिशा में काम करें कि हम एक पर किलोमीटर कॉस्ट जो है सरकार को, सरकार को अल्टीमेटली राजस्व चाहिए, उसमें कहीं विरोध नहीं है, हम इसका मॉडल खाली चेंज कर दें कि जितनी चीजें हैं वो पर किलोमीटर पे हो जाए। जब आप टोल भी, आप पहले अभी आपका फिक्स था, आप सरकार ने उस गलती को समझा और सरकार आने वाले समय में किलोमीटर बेस्ड, आपको जितना आप चलेंगे उतना किलोमीटर का आपसे टोल लेगी, सरकार उस नीति पे काम कर रही है, तो सरकार ने उस बात को समझा है। तो जब आप एक इतने बड़े रेवेन्यू सेक्टर को, आपको समझ में आ गया कि भाई ये पर किलोमीटर बेस्ड होना चाहिए, तो बाकी जितने चीज़ें हैं, टैक्सेशन सिस्टम है, जितने इंश्योरेंस सिस्टम है, क्योंकि जब गाड़ी ज़्यादा चलेगी तो ज़्यादा रिस्क है, कम चलेगी कम रिस्क है, तो हम सारी जितनी इस बॉडीज, इसमें जितनी एनर्जीज लगी हुई हैं, उन सारों को हम कॉमन सिस्टम में लाके पर किलोमीटर बेस्ड कर दें। दोस्तों, एक बात तो तय है कि रोड ट्रांसपोर्ट व्यवसाय का फ्यूचर बहुत ही उज्जवल है,
लेकिन हमें कुछ ऐसे सिस्टम्स बनाने होंगे, हमें कुछ ऐसे प्रोसेसेस बनाने होंगे जिससे हम अपना ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर सकें और हमारा फ्रेट रेट उस हिसाब से कस्टमर को दे सकें। हमें खुशी है कि इस इंडस्ट्री में आज भी मनीष जी जैसे लोग हैं जो इंडस्ट्री की सेवा के लिए जुड़े हुए हैं और एक ठंडे दिमाग से, एक बहुत क्लियर थॉट प्रोसेस से अपना होमवर्क करके गवर्नमेंट को प्रेजेंटेशन देते हैं, एसोसिएशंस की मदद करते हैं। हमें उम्मीद है कि मनीष जी जैसे और भी लोग एसोसिएशंस के साथ जुड़ेंगे और हमें आगे की तरफ ले जाएंगे। हम फिर हाजिर होंगे अगले हफ्ते एक और इंटरेस्टिंग और इंटेलेक्चुअल इंटरेक्शन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।